बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग माया मेनू फ्रॉम द मूवी जर्सी सीखेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जश कुटावाला फ्रॉम पिक सीरीज एंड आज इस वीडियो में हम जो सॉन्ग सीखने वाले उसका स्केल जो होगा स्केल इज सी मेजर। सी मेजर बहुत ही सिंपल स्केल है, सारे वाइट कीज है, हम सारे वाइट कीज पे ही सॉन्ग को प्ले करेंगे। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन हियर वी गो। ठीक है, ये दो लाइन प्ले की है, एक एक लड़के को सीखते हैं। सो फर्स्ट लाइन सी कॉर्ड प्ले करना है एंड लाइन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे लाइन होगी नारे नारे नारे, तो सिंपल पहले कॉर्ड प्ले करना है। नाउ नेक्स्ट लाइन सिंपल सी डी ई डी डी नारे ना। नाउ नेक्स्ट जो होगा तो सिंपल एक एक लाइन करके सीखेंगे। यहाँ पे F एंड G कॉर्ड यूज किया, पहली लाइन में F एंड दूसरी लाइन में G, सिंपल। बहुत ही सिंपल है, यहां पे G से स्टार्ट किया एंड हम E तक आए। D तक लास्ट में D नोट भी हमें ऐड कर दें। ये सारे नोट्स जो है वो दो दो बार प्ले करने हैं ऐसे। ये E F एंड E टू टाइम्स प्ले करने। नाउ नेक्स्ट होगा सिंपल, तो ये जो लास्ट हमने चार लाइन सीखी स्टार्टिंग की उसको साथ में देखते हैं। अब इसके बाद जो होगा इसके बाद भी हमें सेम ही प्ले करना, लेकिन यहां पे अब लिरिक्स की लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखिए फिर से मैं प्ले कर रहा हूँ लिरिक्स की लाइन, लेकिन प्ले आपको सेम ही करना है, सिर्फ यहाँ पे लिरिक्स की लाइन ऐड हो जाएगी। मतलब हमें नोट्स एंड कॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो लिरिक्स की लाइन है वो चेंज हो जाएगी, सिंपल। तो देखिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी ये वाले। ठीक है, सो इसको देखते हैं ये वाले पार्ट को। ठीक है, सो हियर वी गो। जिंदगानी में इतना प्ले किया हमने, जिंदगानी में। नाउ नेक्स्ट वाला इसी लाइन का पार्ट है आगे का। फिर से देखिए, नाउ नेक्स्ट लाइन होगी सिंपल। यहां पे हमने एफ से स्टार्ट किया एंड कॉर्ड भी हमें एफ प्ले करना है, सिंपल। लकी लख, पहले लख के लिए एफ, दूसरे लख के लिए ए। ठीक है, पहले कॉर्ड प्ले करना है उसके बाद लाइन स्टार्ट करनी है। लख लख शुक्र में कहना, फिर से ठीक है। अब आती है सबसे मेन लाइन, दैट इज ठीक है, इस लाइन को सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सी लाइन है गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इसमें आपका फायदा क्या होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप इसी तरह नए नए सॉन्ग्स को रेगुलरली हमारे साथ साथ सीखते रहोगे, वो भी दोनों हाथों से। नोट्स तो सीखोगे ही, इसके साथ साथ आप कॉर्ड्स भी सीखोगे, और इसके साथ इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। ठीक है, सो हियर वी गो, दिस मेन लाइन। ठीक है,
ओ माया मैनू याद आवे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन होगी उसमें थोड़ा सा पॉज है। अब देखो कैसे पॉज लेना है। पहले ये लाइन आपने प्ले की, ये पूरा एक कॉर्ड खाली जाने देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन होगी, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट लाइन हमने सीखी है, लास्ट लाइन जो मैंने अभी प्ले की उसको सीखते हैं। ठीक है, ऐसे प्ले करना है, पहले जी एंड उसके बाद सी नोट, तो पूरी होगी। जो पूरी जो मेन लाइन है उसको साथ में देखते हैं। सिंपल, यहां तक हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा दैट इज अंतरे का पार्ट। तो अंतरे की फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। ठीक है, तो ये वाले लाइन को सीखते हैं। तो यहां पे दो लाइन को सीखेंगे एक एक पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, तो पहले सीखना है फिर से देखते हैं स्लोली थोड़ा और। नाउ नेक्स्ट होगा, सिंपल फिर से, तो ये जो अंतरे की दो लाइन से की उसको साथ में देखते हैं। नाउ रिपीट करना इस लाइन को। अब नेक्स्ट लाइन होगी, ठीक है, ये लास्ट लाइन है। इसके बाद फिर से रिपीट करना है, और क्या रिपीट करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो इस लाइन को सीख लेते हैं। ठीक है, इतना सीखेंगे, सिंपल फिर से उसी को रिपीट करना है। मतलब एक ही लाइन में एक पार्ट को प्ले किया उसी को रिपीट किया, मतलब पूरी लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। देखो ऐसे, ठीक है, इतना दिख लिया। इतना प्ले करने के बाद नेक्स्ट लाइन होगी, सिंपल तो ये जो बेहतर जाए वो वाले लाइन को सीखते हैं। अब इसके बाद जो रिपीट करना है वो कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। देखो हमने जो आगे सीखी थी, जिंदगानी में होना तेरा, ये वाली जो लाइन हमने आगे सीखी थी अब उसी को फिर से यहाँ पे रिपीट करना है। देखो ऐसे, फिर सिंपल सिंपल। अब इसके बाद सेकंड अंतरा फिर से इसी अंतरे को रिपीट कर दीजिए यहां से।
इसी अंतरे को फिर से रिपीट कर दोगे तो सेकंड अंतरा भी आपका प्ले हो जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नोट्स एंड कॉर्ड्स को रिपीट करना है। नोट्स एंड कॉर्ड्स आपने जो फर्स्ट अंतरे में प्ले किए उसी को आपको फिर से प्ले करना है। यहाँ पे हम पियानो प्ले कर रहे हैं इसलिए हमें लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स एंड कॉर्ड्स को रिपीट करना है। ठीक है, सुनने वाले को पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ रिपीट करना है सेकंड अंतरे को भी, ताकि हमारा पूरा सॉन्ग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।